मॉब लिंचिंग है कहां? एक मिनट बैठिए ना, अब बैठिए ना, आप तो बोल दिए, अब हम और चीज बताने वाले थे, अब मॉब लिंचिंग ही बोल दिए। अब मॉब लिंचिंग शब्द की कहानी चली है उत्तर प्रदेश से, देख सुनिए ना आपको, जो चला है ये तेजी से वो वहां पर कॉम्युनल क्लास से चला है, लेकिन बिहार में ये मॉब लिंचिंग की कहानी चलती है। अब आप बताइए इसके पक्ष में कौन होगा कि मॉब को निकल करके किसी को मार देना चाहिए? अगर किसी ने अपराध भी किया तो उसको मार देना चाहिए, लीगल काम तो नहीं है। लेकिन जरा सा ये बताइए कि किसी के घर में कोई चोरी करने गया और वो धरा गया और उसको पकड़ करके पीटने लगा और गांव के लोग भी इकट्ठा होकर के उसको पीटने लगे, तो भाई अगर ये मॉब लिंचिंग है तो आज की कहानी है मॉब लिंचिंग जिसको कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग कब नहीं हुआ है? मॉब लिंचिंग कब नहीं हुआ है? और एक बात जान लीजिए, हमने प्रेस के साथ संवाद में भी, अरे भाई अपने भाषण के सिलसिले में कुछ बोलते, आजकल आपको बीच ही में बोलने में हम एक्टिव दिखते हैं। अरे भाई अब एक्टिव हो गए हैं आप, व्यापारिक जगत से आगे संसदीय क्षेत्र में, तो समय पर बोला करिए ना, तो ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग भी सुनेंगे। तो ये बात आप सुन लीजिए और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, ये जो मॉब में इकट्ठा होकर के किसी को मारता है पीटता है वो कायर लोग होते हैं, घर के अंदर भी पिटाता है, वो सोचता है कि घर में तो हम पिटा जाते हैं, तो बाहर देखता है कि 10 आदमी मिलकर किसी को कर रहा है तो वहां इकट्ठा हो जाता है। ये आज से नहीं, हम लोग जब से होश संभाले हैं बचपन से ही सब बात सुनते हैं समाज में और एरिया में। तो देखिए जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई इस तरह का आपराधिक वारदात करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो सब लोगों को बहुत ही समर्पण के साथ और प्रतिबद्धता के साथ लोगों के बीच में अभियान चलाना चाहिए। आप कोई घटना घट कर दिया